और वो ये मानते हैं कि अगर इस चुनाव को जीतने के लिए दो चार विधर्मी लोगों की हत्या करनी पड़े तब भी ये जो है कोई घाटे का सौदा नहीं, कि गौ रक्षा के मान के चलते हैं कि मुसलमान हरियाणा में गाय को मारकर खाते हैं और इसलिए हम उनके खिलाफ हथियार उठाएंगे। उस समय अगर आपको याद हो तो पूरे हरियाणा में एक एंटी बीजेपी एंटी नायब सैनी एंटी धर्मवीर खट्टा का पूरा एक माहौल चल रहा था और उस माहौल को पलटने के लिए ये हत्या की साजिश की गई। अब ये एक बड़ी विचित्र बात है कि जितने भी अब हत्यारे हैं वो एक दावा बड़े जोर शोर से करते हैं। पहला तो ये कहते हैं कि हम देशभक्त हैं, हम जो भी हत्याएं कर रहे हैं, जो भी फिरौती ले रहे हैं, जिन लोगों को भी मार रहे हैं, वो देश की सेवा है। नफरत की राजनीति आप समझिए अभी महाराष्ट्र में चल रही है, अभी झारखंड में चल रही है, अभी दिल्ली में चल रही है, और जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने कल कहा कि मेरे ऊपर हमला हुआ, तो अब उसके यानी के तथ्यों में जाए बिना भारतीय जनता पार्टी ने कहना शुरू कर दिया है जी ये जो है झूठ बोल रहे हैं। नमस्कार आदाब, मैं हूं इकराम और आप देख रहे हैं हिंद वॉइस। हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट अनंत कुमार जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर। हरियाणा में हरियाणा चुनाव से ठीक पहले चरखी दादरी के एक कस्बे में एक युवक की हत्या हो जाती है गोमांस के शक को लेकर। अब उसकी रिपोर्ट आई है और पता चला है कि वो गोमांस था ही नहीं, तो क्या उस बेचारे की जान की कोई कीमत थी ही नहीं, उसे ऐसे ही मार दिया गया? तो ये किस तरह की भीड़ थी, कौन इसमें शामिल थे और अब क्या होगा? दूसरी तरफ यूपी उपचुनाव से पहले भी बहराइच में एक बड़ा दंगा हमें देखने को मिला, तो क्या कोई कनेक्शन है? आप क्या कहेंगे इन दोनों मुद्दे पर? भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव सबसे महत्वपूर्ण चीज है और वो ये मानते हैं कि अगर इस चुनाव को जीतने के लिए दो चार विधर्मी लोगों की हत्या करनी पड़े तब भी ये जो है कोई घाटे का सौदा नहीं। हरियाणा में चुनाव होने थे, हरियाणा में आनंद फांगन में जो वहां के मुख्यमंत्री थे धर्मवीर खट्टर, उनको हटाकर उनकी जगह मोदी सरकार ने नायब सैनी को वहां का मुख्यमंत्री बना दिया। और जैसे ही नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाया, हरियाणा में आरएसएस और जो काउ विजिलेंटर्स गौ रक्षक वो एकदम सक्रिय हो गए और उन्होंने बयान देने शुरू करे। और बयान का सीधा मतलब है कि गौ रक्षक के मान के चलते हैं कि मुसलमान हरियाणा में गाय को मारकर खाते हैं और इसलिए हम उनके खिलाफ हथियार उठाएंगे, हम उनकी हत्या कर देंगे। मेवात में आपको याद होगा दो साल पहले इसी वजह से दंगे हुए, फसाद हुए और वहां पर भी कई लोगों की हत्या कर दी। अब हरियाणा में चरखी दादरी में 27 अगस्त 2024 को सुबह ही सुबह दो लोग थे जिनमें एक का नाम था असलुद्दीन और दूसरे का नाम था साबिर। साबिर बंगाल का रहने वाला था, असलुद्दीन जो था असम का रहने वाला था। ये बेचारे जो है कबाड़ा का काम करते थे। इनके घर कुछ लोग मोटरसाइकिल पे पहुंचे और उनको कहा जी हमें कबाड़ा खरीदवाना है, और उनको सुबह सुबह लेकर रास्ते में चले और एक जगह सुनसान देखते ही उन्होंने उनकी पिटाई करनी शुरू की और उसके वीडियो बनाए। वीडियो बनाने के बाद साबिर की तो मौके पर ही मौत हो गई और असलुद्दीन को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती करा दिया। और उनका आरोप क्या था कि ये घर में सुबह सुबह गौ मांस खा रहे थे। अब गौ मांस की ये जो थ्योरी है ये हरियाणा में जंगल की आग की तरह फैली और उसके बाद तब वहां के जो मुख्यमंत्री थे नायब सैनी, उन्होंने भी इन लोगों के पक्ष में बयान दिया। उन्होंने कहा किसी को इजाजत दी जाएगी कि गौ मांस को हरियाणा की पवित्र धरती पर खाए। और उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने, जिन काउ विजिलेंटर्स ने यह हत्या की है, हम उनका समर्थन करते हैं। अब मकसद ये था कि हिंदू एकजुट हो जाएं और हिंदू जब एकजुट हो जाएंगे तो वो मुसलमानों के खिलाफ हो जाएंगे। और हरियाणा में चूंकि मुसलमान नेग्लिजिबल है, मेवात के इलाके में ही है और कहीं नहीं है, तो ऐसी हालत में इन्होंने सोचा कि हिंदू एकमुश्त होकर भाजपा को वोट देंगे और नायब सैनी की जीत के झंडे गड़ जाएंगे। उस समय अगर आपको याद हो तो पूरे हरियाणा में एक एंटी बीजेपी एंटी नायब सैनी एंटी धर्मवीर खट्टा का पूरा एक माहौल चल रहा था और उस माहौल को पलटने के लिए ये हत्या की साजिश की गई। पुलिस ने उस समय 10 लोगों को गिरफ्तार किया और 6 लोग आज भी फरार हैं। जब इस मास को एफएसएल में भेजा गया
खाद्य विभाग में भेजा गया और ये जानने की कोशिश की कि ये क्या है। तो आज जो रिपोर्ट आई है वो बताती है कि ये मांस जो था गौ मांस नहीं था। आप मान लीजिए अगर गौ मांस होता तब भी क्या किसी व्यक्ति को मारने का हक है? और अब चूंकि ये सिद्ध हो गया है कि गौ मांस नहीं था, तो इस तरह से जिस तरह से साबिर की हत्या की गई, जिस तरह से जो है असरुद्दीन को पीटा गया, क्या ये भारतीय जनता पार्टी का एक पैटर्न नहीं? हरियाणा में हरियाणा सरकार ने सबसे पहले ये परंपरा शुरू की कि हरियाणा में गौ मांस नहीं बिकेगा, गौ मांस की जो है उसके लिए नए नए तरीके के सरकार ने नायाब तरीके ढूंढे हैं। वहां पर हर जिले में जो है 21 जिले हरियाणा में, तो वहां गौ पुलिस स्टेशन है, गाय के लिए वहां एम्बुलेंस है, गाय के लिए वहां पर जो है अस्पताल खोले गए हैं। और ये बताया गया है कि गाय की सबसे ज्यादा चिंता कौन करता है? वो भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। और मजे की बात यह है कि अभी जिस बिश्नोई की हम बात कर रहे हैं, उस बिश्नोई का भी जेल में अपना जो इंटरव्यू उसने अभी हाल में ही दिया है, तो लॉरेंस बिश्नोई का क्या कहना है कि मैं जितना पैसा कमाता हूँ उससे मेरा मकसद है कि मैं गौशालाएं खोलूं। अब ये एक बड़ी विचित्र बात है कि जितने भी अब हत्यारे हैं वो एक दावा बड़े जोर शोर से करते हैं। पहला तो ये कहते हैं कि हम देशभक्त हैं, हम जो भी हत्याएं कर रहे हैं, जो भी फिरौती ले रहे हैं, जिन लोगों को भी मार रहे हैं, वो देश की सेवा है। और दूसरा वो कहते हैं कि जो हम फिरौती लेते हैं, जो अपराध से पैसे इकट्ठा करते हैं, जो कि एक तरह से जब्त होना चाहिए अपराध का पैसा है, वो कहते हैं कि हम इससे गौशाला खोलेंगे। अब मजे की बात यह है कि पूरे देश में गौशाला को लेकर भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद और ये जो तथाकथित गौ रक्षक है, ये सारे के सारे एक आंदोलन चलाए हुए हैं। महाराष्ट्र की सरकार में एकनाथ शिंदे ने भी अभी हाल में ही राज्य माता का दर्जा दिया है। उन्होंने कहा है गौ माता जो है वो राज्य माता है, यानी हम सबकी माता है। और उसके लिए महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि हम 50 रुपए प्रति गौ देंगे। उत्तर प्रदेश में भी आप देखेंगे कि गौ के लिए जो है नए नए कानून बनाए गए हैं, उनके लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था है, उनके लिए अस्पतालों की व्यवस्था है, लेकिन आज भी गौ का सबसे ज्यादा दुरुपयोग, गौ के नाम पे सबसे ज्यादा अत्याचार अगर कहीं होता है तो वो उन राज्यों में होता है जहाँ गाय को ये माना जा रहा है कि ये हमारी माता है, ये पवित्र पशु है और ये जो है हमें इसकी रक्षा करनी है। और इसलिए किसी भी आदमी को, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, उसको मारना जो है एक ऐसी काम है कि जिसके लिए आदमी को स्वर्ग मिलता है। अब ये भारतीय जनता पार्टी ने एक नए किस्म का राष्ट्रवाद पूरे देश में पैदा किया है। और अब हम सब देखते हैं कि अब गाय को लेकर जो राजनीति हरियाणा में हुई, आज उसकी पोल खुल गई है। 16 लोगों ने एक व्यक्ति साबिर और एक व्यक्ति असरुद्दीन की हत्या कर दी, उसकी वीडियो भी मौजूद है, लेकिन अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने इन हत्याओं को कंडेम नहीं किया। कंडेम क्यों नहीं किया? क्योंकि ये उनकी राजनीति का हिस्सा है। लेकिन हर बार बड़े मजे की बात है, इनकी पोल खुल जाती है और जब इनकी पोल खुल जाती है तो इनके पास जो है चेहरा दिखाने के लिए कुछ नहीं रहता, और तब जो है बाकी लोगों को, जो पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, उन्हें इनके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, जैसे हम उठा रहे हैं, ताकि आवाज उठाकर ये बताया जा सके कि इंसान की जान की कीमत जो है झूठे आरोप लगाकर जो लोग लेते हैं, उन सबको भी फांसी की सजा मिलनी चाहिए, जो देश का कानून है। अब हम जिस बात पर सबसे ज्यादा आज के समय में चिंतित है वो ये है कि उत्तर प्रदेश में बहराइच में जिस तरह से दंगे हुए, उनको लेकर भी एक ही पैटर्न नजर आता है। जहां चुनाव होने होते हैं वहां हिंसा भड़काई जाती है, हिंदू मुसलमान फसाद कराए जाते हैं, हिंदुओं को आगे करके मुसलमानों को गाली दी जाती है, और ये कोशिश की जाती है कि हिंदू वोटों का कहीं ना कहीं एक तरह से सेंट्रलाइजेशन हो जाए, हिंदू वोट जो है गोलबंद हो जाए, और गोलबंद होगा तो वो सनातन की रक्षा के नाम पर मोदी हो, योगी हो, या एकनाथ शिंदे हो, या नायब सैनी हो, उन सबके सारे पापों को भूल जाएगा और सिर्फ वोट देगा। अब जिस तरह से हम सब लोग देखते हैं कि बहराइच में, महाराजगंज में दंगा हुआ, उसमें शुरू से जो पैटर्न है, जो सरकार का तरीका है, वो ये था कि राम नवमी के बाद जो है दशहरा आता है, दशहरे के बाद जो है दुर्गा पूजा की जाती है और दुर्गा मूर्ति का विसर्जन होता है,
तो उस जलूस में जितने भी लोग अपनी अपनी मूर्तियों को लेकर विसर्जन के लिए जा रहे थे, वो कोई भक्ति भाव से नहीं जा रहे, वो सिर्फ इस बात से जा रहे थे कि हमें जो है हिंदुओं को अपना वर्चस्व तय करना है और मुसलमानों को गाली देनी। जो नारे लगाए गए कि बाबर की संतान है या बाबर से बदला लेना है या फलाना है, वो एक मकसद ये था कि दूसरों को गाली गलौज करो। और मजे की बात यह है कि जब भी हिंदुओं का जुलूस किसी भी मस्जिद के सामने गुजरता है, किसी दूसरे धर्मस्थल के सामने गुजरता है, अचानक उनके अंदर जोश आ जाता है। वो कोशिश करते हैं कि उसके धर्म स्थल को, दूसरे के धर्म स्थल को किसी तरह से क्षति पहुंचाई जाए, उनको उकसाया जाए, उनके धर्म का अपमान किया जाए, उनके जो धार्मिक प्रतीक है उनको उखाड़ दिया जाए, उनको फेंक दिया जाए। और एक तरह से ये एक जो है धर्मांधता जो है, और जो जिसे धार्मिक नारे कहते हैं, वो युद्ध के नारे बन जाते हैं। हमेशा आप देखेंगे कि धर्म के नारे होते हैं, पहले लोग बड़े आराम से भक्ति भाव से अपने भजन गाते हुए नगर कीर्तन करते हुए जाते थे, अपने प्रभु की आराधना करते थे, आपस में एक दूसरे को हंसते खेलते बात करते थे, हर किसी को प्रसाद बंटता था, लोग जो है बाकी लोग खड़े होकर जोश जलूस की अगवानी करते थे, वो भी उनको प्रसाद देते थे, उनको जल देते थे, उनको खाने पीने की चीज देते थे, तो एक तरह से आपसी भाईचारा बढ़ता। अब क्या हो गया है कि अब जो है गुंडों की तरह जो है जुलूस निकाले जाते हैं, सारे के सारे लोग जो होते हैं पटका बांध लेंगे, कलर लगा लेंगे, गाली गलौज करेंगे और ऐसे जाएंगे जैसे कोई सेना जो है किसी दुश्मन के देश को नेस्ता नाबूद करने जा रही। कोई प्रसाद बांटने की परंपरा नहीं है, कोई जल बांटने की परंपरा नहीं है, कोई प्यार बांटने की परंपरा नहीं है, कोई चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं है, सिर्फ आग लगा दो, जला दो, मार डालो, फूंक डालो, ये करते। अब ये जो बहराइच का दंगा है वो बड़े आराम से जो गोदी मीडिया है उसके हिसाब से चल रहा था। और वो कैसे चल रहा था कि वो जा रहे थे, अचानक खबर आई कि जी पत्थर फेंके गए, फिर उसके बाद ये आया कि एक राम गोपाल मिश्रा को गोली मार दी, और उसके बारे में जो बयान जो गोदी मीडिया ने दिया, उन्होंने ऐसा बयान दिया कि आपकी जो है रूह कांप जाए। उन्होंने कहा उसकी आंखें निकाल ली, उसका पेट फाड़ दिया, उसको जो है 36 गोलियां मारी, उसको करंट लगाया, उसके नाखून निकाल लिए, और बड़े ऑथेंटिकली इस बात को सिद्ध करने की कोशिश की। और एक ब्लैक एंड व्हाइट वाले सुधीर चौधरी हैं, उन्होंने तो ऐसा वर्णन दिया जैसे वो पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर थे और उन्होंने उसकी वीडियोग्राफी की। अब मजे की बात यह हुई कि आज के समय में हर आदमी के पास एक मोबाइल रहता है और वो आए बाएं शाएं हर वक्त चलता रहता है। चलने में क्या हुआ कि एक महिला जो कि जहां पर रामगोपाल मिश्रा की एक छत पर मौत हुई, एक सामने एक लड़की रहती थी, उसने वो वीडियो शूट कर लिया। अब वीडियो शूट कर लिया तो उसमें सारी सामने की पोल खुल गई। राम गोपाल मिश्रा एक दूसरे मकान से उस मकान में घुसा, और वो मकान जो था किसी मुसलमान का था, उस मुस्लिम के घर का मेन दरवाजा बंद था, एहतियातन उन्होंने कहा कि भीड़ ना घुसाए, और वो आदमी जो था हामिद, उसकी ज्वेलरी की दुकान थी, और ज्वेलरी की दुकान में उस समय तकरीबन आप समझिए कि 8-10 करोड़ रुपए का सोना था। तो सबका एक ही मकसद होता है, मैंने पहले भी कहा था कि जितने भी दंगाई होते हैं वो दंगा अचानक नहीं करते, 8-10-20 दिन पहले, 1 साल पहले तय कर लेते हैं कि अगली बार दंगा होगा तो हमें किसको लूटना है। तो उसके घर पे राम गोपाल मिश्रा जांबाज सिपाही की तरह, बंदर की तरह उछलता कूदता हनुमान जी का अवतार बन के चढ़ गया, और चढ़ने के बाद उसने उसके घर के ऊपर मुंडेर पर एक झंडा था हरे रंग का, जो इस्लामी झंडा कह सकते हैं, हरे रंग का झंडा कह सकते हैं, उसको उसने तोड़ना खींचना शुरू किया, और खींचने की वजह से जो मुंडेर जिससे वो बंधा हुआ था वो भी गिर गया। और यही नहीं रुका, नीचे से भीड़ में किसी ने झंडा जो है राम गोपाल मिश्रा को दिया, और उसने झंडे को लिया और वहां पर उस झंडे को गाड़ दिया। गाड़ने के बाद उस घर के मालिक ने या जो भी व्यक्ति है उसने अपनी बंदूक की जो लाइसेंसी बंदूक थी उससे उसने राम गोपाल मिश्रा को गोली मार दी और वो मर गया। और मरने के बाद भीड़ जो है एक तरह से और ज्यादा उन्मादी हो गई, और अगले दिन जब राम गोपाल मिश्रा की शव यात्रा निकलनी थी तब तो शहर का सारा हिंदू जो मन है, हिंदू जो योद्धा है, वो सड़क पर उतर आए, और उन्होंने तय किया कि हम जो है अब खून का बदला खून लेंगे
और चिन्हित करके उन्होंने पहले तो जो राम गोपाल वर्मा जिस घर के ऊपर शहीद हुआ हिंदुओं के मुताबिक, उस घर की उन्होंने ईंट से ईंट बजा दी, वहां जो दुकान थी सोने की उसे लूट ली, एक हीरो होंडा की साइकिल मोटरसाइकिल की दुकान थी वो लूट ली, और बहुत सारे घरों को उन्होंने चिन्हित किया कि हमें इन घरों को किस तरह से जलाना है, फूंकना है, बदला लेना है। वहां के लोग भाग गए और भागने के बाद जो है बाकी लोगों ने अपनी जान किसी तरह बचाई। और ये सारी बातें, ये वीडियो और मीडिया और ये सीसीटीवी कैमरे, इनकी वजह से जो अब चीजें छन छन कर आ रही हैं वो बताती हैं कि पुलिस पूरे समय में लगातार चुपचाप तमाशाई बनी हुई थी। और जिस तरह से दो लड़कों ने दैनिक भास्कर को और दूसरे अखबारों को अपना इंटरव्यू दिया कि हमें दो घंटे का समय दिया गया था कि दो घंटे में किसी को भी फूंक डालो, कोई पुलिस एक्शन नहीं होगा, और जब ये बयान आए तो उसके बाद आप देखिए कि पूरे देश के लोग स्तब्ध हैं। पूरे देश में लोगों को लगता है कि हमारे यहाँ लोकतंत्र और सभ्यता सब खत्म हो गई है, कानून का राज नहीं है, और देश एक तरह से उस युग में चला गया है जो पाषाण युग था, जो ऐसा था जब हम कहते थे एन आई फॉर एन आई, ए टिथ फॉर ए टिथ, ए हैंड फॉर ए हैंड, ए थ्रोट फॉर ए थ्रोट, यानी कि आंख का बदला आंख, दांत का बदला दांत, गर्दन का बदला गर्दन, मौत का बदला मौत। तो ये एक तरह से सभ्य समाज के मुंह पर बड़ा तमाशा है। तमाचे की वजह से आज के समय में भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है। पहले हमेशा होता था जब भी कोई ऐसी वारदात होती थी तो बहुत सारे लोग आते थे और बताते थे कि भाई गलतियां होती हैं, उनको सुधारना चाहिए, समाज में मेल मिलाप होना चाहिए, समाज के लोगों को, उन लोगों को, भले लोगों को आगे आना चाहिए, एक दूसरे के साथ मिलकर जो है एक ये बताना चाहिए कि हम दिल से दिमाग से समाज को एक रखेंगे और समाज को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन ये नफरत की राजनीति आप समझिए अभी महाराष्ट्र में चल रही है, अभी झारखंड में चल रही है, अभी दिल्ली में चल रही है, और जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने कल कहा कि मेरे ऊपर हमला हुआ, तो अब उसके यानी के तथ्यों में जाए बिना भारतीय जनता पार्टी ने कहना शुरू कर दिया है जी ये जो है झूठ बोल रहे हैं, भाई जांच करनी चाहिए। और अरविंद केजरीवाल कोई ऐसा आदमी नहीं है जो बिना सुरक्षा के, उसको जेड कैटेगरी की नहीं वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी मिली है। तो वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी का एक आदमी अभी हमने देखा बाबा सिद्दीकी, मुंबई में सरेआम जो है जो लॉरेंस बिश्नोई है उसके गुंडों द्वारा मारा गया। दिल्ली में भी अगर ऐसी बात होती है तो आप समझ सकते हैं कि देश में गुंडों बदमाशों के हौसले कितने ज्यादा ऊंचे हैं, और पूरे देश में कोई प्रधानमंत्री, कोई गृह मंत्री, कोई होम मिनिस्ट्री नजर नहीं आती जो कहे कि भई ये गलत हो रहा है। तो इन सब चीजों को लेकर देश के लोगों को बैठकर सोचना चाहिए। और ऐसी ताकतें जो देश में लगातार हिंदू मुसलमान का फसाद करती है, कभी हिंदू सिख का फसाद करती है, कभी हिंदुओं में भी आपस में दलितों का अपमान करती है, कभी वो जो है जो आदिवासी हैं उनके घरों को, उनके लोगों को मारती है, तो इन सब के खिलाफ देश के जागरूक नागरिकों को, जिनको हम कहते हैं कि भाई हम लोग जो है पढ़े लिखे सभ्य लोग हैं, सोशल मीडिया के लोग हैं, सोशल लोग हैं, उन सबको आगे आना चाहिए। और जब तक वो आगे नहीं आएंगे तब तक ऐसी घटनाएं होती रहेंगी, और हमें कुछ नहीं करना, हमें इनकी भर्त्सना करनी चाहिए कि ये लोग जो है कानून को अपने हाथ में लेते हैं, जबकि लोकतंत्र में हमने संविधान लागू होने के बाद ये माना था कि हमारे देश में कानून का राज है, कोई कितना बड़ा हो, कोई कितना छोटा हो, कोई अपराध करे ना करे, सब अपराधियों को सजा मिलनी चाहिए, जरूरी है। लेकिन अब अपराधियों ने कहना शुरू कर दिया है हम बड़े देशभक्त हैं, हम जो अपराध कर रहे हैं, जो बलात्कार कर रहे हैं, वो देशभक्ति के लिए कर रहे हैं। अब ऐसी देशभक्ति के लिए आप समझिए कि पूरे देश का पूरा जो वातावरण है वो तो खराब होता ही है, देश की छवि भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खराब होती है, और ऐसे में लोग मानेंगे कि हिंदुस्तान जो है असभ्य लोगों का देश बन गया है। और उसकी वजह यही है कि ये जो लोग कानून को हाथ में लेते हैं तो कानून की एजेंसियां काम करने की जगह उल्टा जो पीड़ित लोग हैं उनके घर बुलडोजर देते, कोई भी एक फर्जी FIR दर्ज करो और कहो जी हम तुम्हारा घर गिरा देंगे, हम तुम्हारा मकान गिरा देंगे, हम तुम्हारा रोजगार छीन लेंगे। तो समझिए कि इस समय पूरे देश को लगातार एक मुहिम चलानी पड़ेगी कि हमें
सांप्रदायिक सौहार्द को स्थापित करना है, कानून के राज को स्थापित करना है, और जो बदमाश आकर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, प्रेस को इंटरव्यू देते हैं, उनको बंद करना पड़ेगा। नहीं तो ये पहली परंपरा है मोदी सरकार में कि अपराधी जेल में है तब भी वो इंटरव्यू देता है, अपराधी पुलिस द्वारा पकड़ा गया तब भी वो इंटरव्यू देता है, और इंटरव्यू देकर पुलिस वाले ऐसे खड़े होते हैं जैसे वो वेटर हो, उनका काम है कि साहब का इंटरव्यू जब खत्म हो जाए तो उन्हें लेके जाए। तो आप समझिए देश में इस समय हालत बड़ी चिंताजनक है। और ये जो अभी लेटेस्ट जो लैब की रिपोर्ट आई है चरखी दादरी के मामले में कि यहाँ पर गौ मांस नहीं खाया गया, तो आखिरकार मांस खाने वाले लोगों के ऊपर, गरीब लोगों के ऊपर इस तरह के जो हिंसक अत्याचार होते हैं उनकी रोक कैसे लगे, इस पे भी हमें सोचना होगा और उस पर हम लोगों को एकजुट राय बनानी। बहुत बहुत शुक्रिया सर दोनों अपडेट्स देने के लिए। आपने इसके साथ साथ दिल्ली में भी चेतावनी दी है, दिल्ली के लिए भी, कि दिल्ली में भी चुनाव है और वहां पर भी जैसे केजरीवाल पर अटैक हुआ तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा कोई घटना ना हो जाए। ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, कल फिर मुलाकात होगी सर से, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। शुक्रिया सर।